अरे आप दो वीडियो अपलोड करना पड़ेगा मुझे आज तुम लोग थोड़ा। हेलो हाँ सर। यार अभी दो वीडियो अपलोड करना पड़ जाएगा फालतू को, पता नहीं वो डिलीट कैसे, तो एंड करने पे क्या नया रिकॉर्डिंग शुरू हो जाता है क्या, क्या है। हाँ सर, चलो चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक लिखो, मैथमेटिकल रीजनिंग या मैथमेटिकल टूल्स या जो भी। ठीक है, आपने एक बार तो सुन लिया ना सब कुछ। हाँ सर, यस सर। पूछ रहा हूं कोई है ऐसा नहीं सुना है तो बताओ, उसके हिसाब से पढ़ाऊंगा। लिखो फिर भी, फिर चलो लिखो, नहीं बोलोगे तुम लिखो। A statement is a declarative sentence which is either true or false. A statement is a declarative sentence which is either true or false. Sir, a statement is a declarative sentence. A statement is a declarative sentence which is either true or false. सिक्स इज अ ऑड नंबर, ये स्टेटमेंट है कि नहीं है? यस सर, ये स्टेटमेंट है। क्यों है? फॉल्स फॉल्स है सर, ये फॉल्स है। ये बात समझ में आती है? यस। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। ओपन सेंटेंसेस, ओपन सेंटेंस, ओपन सेंटेंस, ओपन सेंटेंस इज अ सेंटेंस हुज ट्रूथ कैन वेरी according to some conditions, whose truth can vary according to some conditions. ठीक है, जैसे मैं कहूँ open sentence is a sentence whose truth can vary according to some conditions. ठीक है, जैसे ए स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो, ये कुछ ही ए पे ट्रू है ना कि हमेशा ट्रू है? कुछ ही वैल्यू पे ट्रू। ये तो ए इक्वल टू प्लस माइनस टू पे ही ट्रू है ना बस। हाँ सर, तो हेंस प्रॉब्लम है ना इसकी लाइफ में, इसलिए ओपन सेंटेंस है। ओपन सेंटेंस इज नॉट कंसिडर्ड स्टेटमेंट्स, ओपन सेंटेंसेस आर नॉट कंसिडर्ड स्टेटमेंट्स। Open sentences are not considered statements. यहां तक क्लियर है? Yes sir. Yes sir. Next लिखो the mathematical. क्या बोला आपने? Open sentences are not considered as statements. ठीक है, mathematical identities, mathematical identities, mathematical identities, mathematical identities are called statements. Mathematical identities are called statements. यहां तक क्लियर है? हाँ सर। सर क्या था? Mathematical identities are called statements. बोलो भाई यहां तक क्लियर है? Yes sir. Yes sir. Yes sir. ठीक है, ठीक है। अभी कैसा होता है, अपने को तीन चार चीजें पढ़नी होती है, ठीक है, तो उसके हिसाब से करते हैं। पहला होता है एंड, देखो कैसा होता है ना, अभी हम लोग क्या होता है कि छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश के, उसको एड, उसको कंबाइंड बोलने के लिए क्या यूज करते हैं अपन, कनेक्टिव्स यूज करते हैं ना। तो अपने इस सिलेबस में जो तीन चार कनेक्टिव्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक होता है कनेक्टिव एंड, इसका सिंबल होता है ये,
एक होता है कनेक्टिव, उसका सिंबल होता है ये, इसको बोलते हैं कंजंक्शन। अरे यहां तक क्लियर है? सेट थ्योरी में बोलते हैं इसको, आप तो पढ़ लियो ना एक बार। थ्योरी में क्या बोलते हैं इसको? इंटरसेक्शन। ठीक है, हर कनेक्टिव का एक होता है ट्रुथ टेबल, हर कनेक्टिव का होता है एक ट्रुथ टेबल, ये बात चमकती है। तो अगर ये लिखा हुआ है पी कंजंक्शन क्यू, इसको आप कितने तरीके से देख सकते हो, पी एंड क्यू, आप क्या देख सकते हो इसको, बोलो, पी एंड क्यू इंटरसेक्शन, ये बात चमकती है। तो पी और क्यू मैं स्मॉल में लिख लेता हूं, ठीक है, एक ट्रुथ टेबल होता है कि मतलब स्टेटमेंट की क्या वैल्यू होगी। तो अगर पी की वैल्यू वन है और क्यू की वैल्यू वन है, मतलब पी भी ट्रू है और क्यू भी ट्रू है, तो पी एंड क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। आप इसको सीरीज, आप टेंथ में पढ़ते हो ना सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट? हाँ सर, यस इसको सर। आप सीरीज सर्किट भी सोच सकते हो, ठीक है, वन और जीरो, बताओ बल्ब जलेगा क्या सीरीज सर्किट में, वन जीरो में? नो सर, नो सर। चमकता है ना, और ये स्विच निकल गया तो बल्ब जलेगा क्या? नो सर, नो सर। अगर दोनों जीरो जीरो है तो बल्ब जलेगा क्या? नो सर। हाँ सर, नो सर, नो सर, नो सर। भाई ये बात समझ में आती है? सेट थ्योरी में इसका सेट थ्योरी कैसा बनेगा, अगर पी यहां पर है क्यू यहां पर है, तो P एंड Q कौन सा रीजन होगा, वन कब हो रहा है P एंड Q? इंटरसेक्शन Q, इंटरसेक्शन, जहां पे दोनों हैं, जहां पे दोनों हैं वहां पे इस स्टेटमेंट की वैल्यू कितनी दिखाई जा रही है, वन दिखाई जा रही है। ये सब क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर, यस सर। एंड की जगह कभी कभी कुछ और वर्ड्स भी यूज कर लिए जाते हैं, ठीक है, बट ज्यादा असर पड़ता नहीं है, इसका मैसेज आ रहा है। अरे यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। कॉपी करो फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे आज, मैं 12th वालों बच्चों उतना फास्ट पढ़ाया था। कॉपी कर लिए? यस सर, हां सर। ये था एंड का, एंड का सिस्टम। फिर दूसरा क्या होता है, और मींस डिसजंक्शन, डिसजंक्शन, डिसकंजंक्शन नहीं, पागल, यूनियन सी, ये सिंबल होता है। सेट थ्योरी में क्या है ये? यूनियन, यूनियन है। और सर्किट में क्या है ये? पैरेलल, पैरेलल सर्किट। तो अगर पी और क्यू बनाया मैं, ये वन है ये जीरो है, तो सॉरी वन और वन, बल्ब जलेगा नहीं जलेगा? अभी बल्ब जलेगा नहीं जलेगा पैरेलल में? एक स्विच बंद है, एक स्विच खुला है, बल्ब जलेगा? बल्ब जलेगा नहीं जलेगा? जलेगा। अब बल्ब जलेगा क्या? नहीं। इसका सेट थ्योरी कैसा आएगा? यूनियन है। ये पी है, ये क्यू है। देखो ध्यान से, शेडिंग कहाँ, शेडिंग हमेशा इसके हिसाब से होती है, ठीक है। तो कहाँ पे हो रही है, वन कहाँ पे है? जहां पे पी है, जहां पे क्यू है, जहां पे पी एंड क्यू दोनों है, ये बात चमकती है? Yes, sir. Yes, sir. इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को? No, sir. सर वो पी डिसजंक्शन की होगा ना? अरे हाँ, सॉरी 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 सॉरी। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ yes, सर। तो अरे क्वेश्चन कर ले अपन जरा थोड़ा सा। पी लिखा टू इज रैशनल नंबर, रूट टू इज, क्यू को लिखा रूट थ्री इज इरेशनल नंबर। मुझे बताओ पी एंड पी और क्यू की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? इस स्टेटमेंट की वैल्यू क्या होगी, ट्रू फॉल्स क्या होगी? वन का मतलब ट्रू होता है भाई, क्या होगा इसका वैल्यू? ट्रू, ट्रू होगा। पी
इसका ट्रूथ वैल्यू कितना होगा? ट्रू होगा। ये बात चमकती है क्या? यस। अरे बोलो बेटा, क्लियर है? यस सर। अगर मैंने ये लिखा p इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, q इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 5, मुझे बताओ p और q की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? ट्रू होगी। क्यों? एक ट्रू एक फॉल्स। स्टेटमेंट ट्रू है, एक फॉल्स। लाइट बल्ब जलेगा। ये बात चमकती है? यस सर। कॉपी करिए। डन सर। हो गया सर। कॉपी कर लिए? यस सर। ये हो गया। और नेक्स्ट क्या होता है? पढ़े हो ना भाई, बताओ ना फिर क्या होगा नेक्स्ट? निगेशन। मतलब कॉम्प्लीमेंट है ना। तो पी का निगेशन, तो अगर p अगर 1 0 है तो निगेशन p क्या होगा? 0 1। ठीक है। सेट 3 में क्या होगा इसका? ये बात चमकती है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। सर्किट में दिखा सकते हो इसको? उल्टा कर दो ना, स्विच खोलने वाले को बंद कर दो ना, तो बल्ब स्विच, यू हैव टू रिलेट समहाउ दैट ना। निगेशन क्लियर है क्या? हाँ सर। निगेशन मतलब क्या होता है? जस्ट उल्टा करना। ये बात चमकती है? यस सर। तो अगर स्टेटमेंट दिया मैंने 5 + 6 इज इक्वल टू 11, इसका निगेशन क्या होगा? 5 + 6 इज नॉट इक्वल टू 11। Not equal to 11. क्या ये बात समझ में आती है? चलो आगे बढ़ो। हो गया सर। दो मिनट। हाँ कर ले। Done, हो गया सर। फोर्थ आता है कंडीशनल। इसको दिखाते हैं ऐसे, रीड करते हैं। P implies Q। सेट थ्योरी में इक्विवेलेंट सभी देखते हैं उसको। ठीक है। तो उसका ट्रुथ टेबल से ही बात कर रहा हूं मैं सीधा। P implies Q। देखो इसमें जो तुम्हारा जो P होता है वो क्या है? हाइपोथेसिस है। P जो है पहला स्टेटमेंट, इसमें क्या लिखते हैं? P implies Q। इसको ऐसे लिखते हैं ना, इफ P then Q। तो आपका हाइपोथेसिस पहले लेते हो ना, आप किसी हाइपोथेसिस के अंदर बात करते हो। तो पी को क्या बोलते हैं? हिपोथेसिस। मतलब अरे अगर मैं कहूं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स की बात, मतलब कोई आप हाइपोथेसिस लेके ही सॉल्व, आप जब बोलते हो ट्रायंगल के एंगल 180 है, आपका हाइपोथेसिस क्या होता है?
जो ट्रायंगल है वो एक प्लेन में है ना? यस सर। नॉन प्लेनर ट्रायंगल कैसा होता है? अर्थ अर्थ को इमेजिन करो, अर्थ के जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं इक्वेटर पे मिलते हैं और जाके पोल पे मिलते हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो भी होता है, कौन ये वाला क्या होता है लाइन? लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। हाँ, तो अर्थ के इक्वेटर से दो लॉन्गिट्यूड निकालो और पोल पे मिला दो, ट्रायंगल नहीं बन रहा क्या? बन रहा है ना, लेकिन वो नॉन कोप्लेनर, वो ट्रायंगल हुआ ही नहीं। हो तो हाइपोथेसिस होती है, उस हाइपोथेसिस में इस क्यू को क्या बोलते हैं? उस हाइपोथेसिस का कंक्लूजन, उस हाइपोथेसिस का कंक्लूजन, या क्या बोलते हैं? कंसीक्वेंस, कंसीक्वेंस। ये बात चमकती है क्या? हाइपोथेसिस के लिए एक और वर्ड होता है एंटीसीडेंट। तो हाइपोथेसिस है तब हम लोग कंक्लूजन की बात करते हैं। ये बात चमकती है? यस सर। ठीक है, अभी सिंपल सी बात है, इस सिम को लिखा कैसे जाता है? देखो, P implies Q is defined to have truth, देखना वर्ड defined, to have truth value false if hypothesis is false, hypothesis is true and conclusion, एक मिनट रुको, मैं कुछ समझा देता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ। ठीक है, समझाने कुछ है नहीं, ये फालतू का कंफ्यूजन ही रहता है, कहीं कहीं भी पढ़ लो आप। ठीक है, P implies Q, देखो अगर हाइपोथेसिस ट्रू है, हाइपोथेसिस ट्रू है, समझो ध्यान से, एक चीज हाइपोथेसिस है और एक चीज उस हाइपोथेसिस पे बेस्ड क्या है? कंक्लूजन। ठीक है, तो अगर हाइपोथेसिस ट्रू है, अगर हाइपोथेसिस ट्रू है, कंक्लूजन ट्रू है, इस स्टेटमेंट की वैल्यू होती है ट्रू। अगर हाइपोथेसिस तुम्हारा ट्रू है, कंक्लूजन फॉल्स है, इसकी वैल्यू होती है जीरो, False. जीरो। अब हाइपोथेसिस ही तुम्हारा फॉल्स है, तुम्हारा हाइपोथेसिस ही फॉल्स है, तो कंक्लूजन हो या नहीं हो, कंक्लूजन हो या नहीं हो, कोई अंतर ही नहीं पड़ता है, इसकी वैल्यू वन ही बोली जाती है। देखो मैं कितनी बार भी आप पूछोगे ना, सर आप जीरो जीरो वन समझाओ, मैं कितना भी ट्राई करूंगा मैं नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, बिकॉज वो डिफाइंड ऐसे है। ठीक है, आप ऐसा बोल सकता हूं मैं, आपका पूरा स्टेटमेंट डिफाइंड किस बेसिस पे है? हाइपोथेसिस के बेस पे ना। आप जो कमेंट जिस हाइपोथेसिस के बेस पे कर रहे हो वो हाइपोथेसिस ही फॉल्स हो गई, वो हाइपोथेसिस ही फॉल्स हो गई। ये बात समझ में आ रही है? अगर वो हाइपोथेसिस ही फॉल्स हो गई, उस स्टेटमेंट की वैल्यू जो कंसिक्वेंस है वो हो या नहीं हो, उसका कोई रिलेशन ही नहीं है ना हाइपोथेसिस से। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ऐसा होता है, मैं ऐसा बता रहा हूं आपको। ठीक है, इसका सेट थ्योरी में कैसा बनेगा बताओ? ये इसका सेट थ्योरी है, बताओ सेटेड रीजन कहाँ आएगा? बोलो, पी वन क्यू वन यहां पे आएगा, पी वन क्यू जीरो, बोलो कहा, ये रीजन कहां पे है? पी वन क्यू जीरो कहां पे है? पी माइनस क्यू, यहां पे है ना, पी जीरो क्यू, अरे सॉरी, तो यहां पर पी, ये जीरो ये वन कहां पे आएगा? यहां पे आएगा, दोनों जीरो वैल्यू वन। ये बात चमकती है? यस यस सर। तो पी इंप्लाइज क्यू का वेन डायग्राम इक्विवेलेंट क्या आ गया? पी इंप्लाइज क्यू का वेन डायग्राम इक्विवेलेंट क्या आ गया? नेगेशन पी यूनियन क्यू, नेगेशन पी यूनियन क्यू। फॉर दिस ऑलवेज थिंक लाइक दिस, फॉर दिस ऑलवेज थिंक लाइक दिस, इट विल बी हेल्पफुल टू यू सेट थ्योरी से करने में। पी इंप्लाइज क्यू का मतलब नेगेशन पी यूनियन क्यू, हमेशा ऐसे ही सोचा करो। यहां तक क्लियर है क्या? यस। पी इंप्लाइज क्यू का मतलब नेगेशन पी यूनियन क्यू, यहां तक क्लियर है?
ठीक है, कॉपी करो इसको। कॉपी कर लिए? यस यस सर। कंडीशनल क्लियर हो गया? ठीक है, फिर क्या होता है इसमें? एक होता है बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल, बाय कंडीशनल क्या होता है? पी डबल इंप्लाइज, इसका मतलब क्या होता है? इसका इंग्लिश में क्या मतलब होता है? इफ एंड ओनली। पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, पी इफ एंड इफ ऑन, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। ये बात चमकती है क्या? मैं सिंपली इसको रीड ऐसे करता हूं। कैसे रीड करता हूं मैं? पी इंप्लाइज क्यू एंड हेलो इंप्लाइज पी क्यू, मैं तो ऐसे रीड करता हूं। ठीक है, तो पी इंप्लाइज क्यू क्या होता है? ये एंड क्यू इंप्लाइज पी, मैं इसको ऐसे ही रीड करता हूँ। ये बात चमकती है? यस सर। सर है जी, चमकती है। तो इसका आप बताओ मुझे, इसका वो क्या आएगा? ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल बताओ। पी क्यू पी इंप्लाइज क्यू, क्यू इंप्लाइज पी, बोलो। वन जीरो, सॉरी वन वन, वन जीरो, जीरो वन, जीरो जीरो। पी इंप्लाइज क्यू में क्या आएगा बताओ? वन वन। पी इंप्लाइज क्यू में वन, यहाँ पर जीरो, जीरो, वन वन। क्यू इंप्लाइज क्यू बताओ? वन 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 वन, जीरो जीरो, वन वन। चमकता है। अभी दोनों का क्या करना है? कंजंक्शन करना है ना इन दोनों का। क्या आ रही वैल्यू बताओ? वन वन वन, जीरो जीरो, जीरो जीरो, वन। ये बात चमकती है? यस सर। तो अगर मैं इसको हटा दूं तो मेरे पास क्या आ गया? ट्रुथ टेबल वन जीरो, ये चमकता है। तो इस स्टेटमेंट का ट्रू वैल्यू कब है? जब पी एंड क्यू आर सेम टाइम्स, जब पी और क्यू दोनों ही वन वन या दोनों ही जीरो जीरो है। इसका वेन डायग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा बताओ? इसका वेन डायग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? यहाँ पे पूरा बाहर और पूरा बाहर। ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। तो सेट थ्योरी रिप्रेजेंटेशन, सेट थ्योरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका? नेगेशन पी यूनियन। हाँ, वैसे तो कर ही सकते हैं वो सब कहानियां करके, कोई डायड फॉर्म में कुछ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते बताओ। पी इंटरसेक्शन क्यू, पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन, यूनियन, हाँ बोलो, नेगेशन, नेगेशन पी, इंटरसेक्शन नेगेशन क्यू, मतलब पी यूनियन क्यू, पी यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट, यही ना? यस सर। पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन, पी यूनियन क्यू का कॉम्प्लीमेंट, बोलो। क्लियर है क्या? Yes, yes, sir. बहुत सारे तरीके हो सकते हैं लिखने के ना, यहाँ से लिख सकते हैं ना घुमा घुमा के, चमकता है क्या? उससे अंतर नहीं पड़ता इन चीजों में। यहाँ तक क्लियर है चीज? यस सर। अरे भाई क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। कॉपी करो इसको। कॉपी कर लिया?
यस यस सर रख करें एक मिनट वापस बनाओ इसको हो गया सर नहीं सर हो गया ठीक है अभी ध्यान दो ये सब आना चाहिए ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है ए यूनियन बी यूनियन ए यूनियन सी नहीं आता है क्या ए यूनियन बी भाई पढ़ाया था ना ये सब तो नहीं आता है क्या भाई सर आता है सर आता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी और क्या होगा क्या होगा बोलो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन आई होप सबको क्लियर है चारों चीजें डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन क्या होता है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये दो चीज क्लियर है यस सर यस सर हां सर क्लियर है क्या यस सर ठीक है ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिखा जा सकता है अब ए माइनस बी जाने की आवश्यकता थोड़ी ना है कौन जाएगा छोड़ो इतना क्लियर है क्या सभी को हाँ सर यस सर ठीक है तो देखो जब आप स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल निकालते हो तीन तरह का ट्रुथ टेबल आता है जब आप स्टेटमेंट का पैटर्न देखते हो ना तीन तरह का आता है एक होता है टॉटोलॉजी एक होता है फैलेसी जिसको क्या बोलते हैं एक और नाम होता है कॉन्ट्राडिक्शन और ये होता है कंटिंजेंसी इसमें क्या होता है लास्ट वाले कॉलम में इसमें स्टेटमेंट का निकाल रहे हो सारे क्या होते हैं ट्रू होते हैं इसमें क्या होता है सारा क्या false. होता है फॉल्स इसमें क्या होता है ट्रू और फॉल्स दोनों प्रेजेंट रहते हैं ये बात चमकती है क्या ये फटाफट कॉपी करो तुम कॉपी कर लिए यस बोलो कॉपी हो गया क्या यस सर यस सर रब करें आप बड़े आराम से ध्यान रख सकते हो टॉटोलॉजी टी फॉर ट्रू फैलेसी फैलेसी एफ कंटिंजेंसी तो टी और एफ रब करें यस सर यस सर वेरिएंस क्या होता है मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ मींस की स्क्वायर ऑफ मींस माइनस मीन ऑफ स्क्वायर्स मीन ऑफ स्क्वायर ठीक है अभी तीन चीजें और होती हैं उसको भी अपन पढ़ ही लेते हैं एक होता है फॉर बाइक कंडीशनली होता है ठीक है P implies Q के ही तीन और कंडीशनल्स होते हैं एक होता है कन्वर्स कन्वर्स का इंग्लिश मतलब मालूम है आपको क्या होता है कन्वर्स ऑफ P कॉमा Q कन्वर्स का मतलब क्या होता है बताओ उल्टा कन्वर्स का मतलब क्या होता है उल्टा होता है ना बेटा हाँ सर हाँ सर ठीक है कन्वर्स मतलब उल्टा इनवर्स का मतलब क्या लगता है आपको क्या होता है निगेशन पी निगेशन क्यू और तीसरा होता है एक कन्वर्स इनवर्स और एक होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ पी कॉम्प्लीमेंट क्यू क्या होता है बताओ निगेशन तुम तो कह रहे हो अब देखो कॉन्ट्रा कन्वर्स हो गया क्यू इंप्लाइज पी इनवर्स हो गया ये और ये तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा इस वाले का negation inverse का negation q implies inverse का converse
अरे यही है ना, इंग्लिश में क्या हो रहा है, इंग्लिश में क्या हो रहा है बताओ? कन्वर्स ऑफ इनवर्स। ये बात चमकती है क्या? कॉपी करो। ये आपको चुनना होता है कि ठीक है, मैं बताता हूं, पहला कॉपी करो। करें यस सर। देखो ये आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप स्टेटमेंट की वैल्यू कैसे निकालते हो। ट्रुथ टेबल से बहुत लोग निकालना पसंद करते हैं, बहुत लोग सेट थ्योरी से निकालना पसंद करते हैं, बहुत लोग वेन डायग्राम से निकालना पसंद करते हैं। तो आपके पास इसलिए मैं टॉपिक जल्दी बहुत जल्दी पढ़ाया, इस साल एक साल पहले पढ़ा दिया, ताकि आप खुद से सोच लो आपको कैसे करना है। फिलहाल आप मुझे इन सारे क्वेश्चन का ट्रुथ टेबल से करके बताओ इनका कि ये कौन सा स्टेटमेंट पैटर्न नहीं है। धीरे धीरे ट्राई करो कि अल्जेब्रिकली कर पाया करो। फास्टेस्ट होता है अल्जेब्रा, बट बहुत लोगों को वेन डायग्राम लगता है, तो कोई अंतर नहीं, बहुत लोगों को सेवो लगता है, जो भी क्या बोलते हैं ट्रुथ टेबल। आप इन चारों स्टेटमेंट्स की वैल्यू बताओ, टॉटोलॉजी है या फैलेसी है या कंटिंजेंसी है यूजिंग ट्रुथ टेबल। चलो सॉल्व करो।
सर आप थोड़ा साइड हटें ना। क्या आया पहला चारों में कुछ आया क्या पहला स्टेटमेंट क्या आया बताओ। यस है जी टॉटोलॉजी टॉटोलॉजी सर सी आया सर हेलो हेलो ना सर ट्रू आता है ट्रू आ रहा है टॉटोलॉजी आ रहा है जी।
दूसरा वाला एफ फैलेसी सर फैलेसी तीसरा वाला कंटिंजेंसी कंटिंजेंसी चौथा कंटिंजेंसी झगड़ वाले में पता है कैसे करना है, मैं करके दिखाऊं किस झगड़ों में क्या मीन कर रहा हूं। हेलो सेकंड वाले में पता है ना मैं कैसे कह रहा हूं करने को? यस सर। मैं क्या कह रहा हूं, ना तो वेन डायग्राम लगाओ ना तो सेट, ना तो लॉजिक टेबल लगाओ, क्या करना है सीधा वेन सीधा सेट थ्योरी से। ठीक है मैं चलो करता हूं, देखो ना इसको यहां लाना है ना मुझे, तो कंडीशनल को चेंज, कंडीशनल का चेंजिंग कैसे होता है बताओ, कंडीशनल का चेंजिंग मालूम है ना, अगर इसको मैं थोड़ी देर ध्यान दूं, सुनो सुनो इसको ऐसे मान लिया तो x implies q लिखा है ना, बताओ क्या होता है ये x implies q, क्या होता है बोलो, निगेशन x यूनियन y, यूनियन हेलो निगेशन x यूनियन y होता है ना, अभी यूनियन का निगेशन क्या होता है, यूनियन का निगेशन यूनियन है ना, यूनियन है, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नेगेशन y, x इंटरसेक्ट नेगेशन y, नेगेशन ये आ गया ना चमका, तो क्या आ गया बताओ, x इंटरसेक्शन नेगेशन y, क्लियर है क्या? अभी तुम्हारा x क्या है बताओ, p यूनियन q है ना, और इंटरसेक्शन क्या आ गया y, y क्या है, p इंटरसेक्शन नेगेशन q, हाँ तो नेगेशन y करना पड़ेगा ना मुझे, तो वो तो मैंने किया ही नहीं, निगेशन y तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया ना, निगेशन y तो मुझे बाहर लिखना पड़ेगा, निगेशन y क्या लिखा है, p इंटरसेक्शन निगेशन q है ना, अभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखा है ना बेटा, तो p निगेशन p यूनियन q q, ये बहुत फास्ट होता है ठीक है, बट इसके लिए आपको मेंटल क्लैरिटी और मेंटल पीस चाहिए करने के लिए, अदरवाइज जो बेस्ट तरीका एग्जाम्स के लिए होता है सेट थ्री ये वाला 10000, उसमें सोचना नहीं पड़ता है, बट ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है, आप इसमें से किसी को भी कर सकते हो चाहो तो, इसको करके देखोगे स्टेटमेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, इस वाले को सेट थ्योरी से ऑपरेट करके देखे क्या आता है, एक बार देखे क्या, हाँ सर करके दिखाओ एक बार, यस सर नहीं ना बोर्ड, हाँ हेलो यस सर यस सर, चलो एक बार ये वाला करके देखे, जगह जगह नहीं है कैसे करूंगा मैं, देखो p इंटरसेक्शन बताओ ये क्या होगा, पहले सारे इंप्लाइज को खा, सुनो पहला स्टेप सारे इंप्लाइज को खाना होता है ठीक है, इंप्लाइज इन्हें खा जाओ क्या बनेगा बोलो, निगेशन, चलो पहले अंदर सिंप्लीफाई कर लो, अंदर बोलो क्या बनता है बोलो, p इंटरसेक्शन हाँ नेगेशन p यूनियन q, नेगेशन p यूनियन q, ये बात चमकती है, अब इसको वेन डायग्राम से अभी बताया था ना वो प्रॉपर्टी, बताओ क्या बनेगा ये, p इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट p क्या बनता है, phi, p इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट p क्या बनता है, phi ना, हाँ सर, और यूनियन इंटरसेक्शन पी यूनियन क्यू ना, हेलो अरे तो ये बताओ फाई यूनियन ये क्या होगा, पी यूनियन क्यू होगा इंप्लाइज क्यू, अब बताओ अब वापस खेलो, वापस खेलो कैसे होगा खेलेंगे बताओ, निगेशन बोलो भाई पी यूनियन क्यू, सो पी इंटरसेक्शन क्यू होगा ना, हां सर वहां पे तो निगेशन p इंटरसेक्शन q सही कह रहे हो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यही लिखा ना हमने बोलो, हाँ ना, यस सर, अब इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, दिख रहा है क्या बोर्ड पे, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, ये वापस अंदर ये q यूनियन अंदर भेज दें, क्या लिखा है बताओ, p कॉम्प्लीमेंट यूनियन यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट,
चाहो तो अब यहां से वेन डायग्राम लिखना बहुत आसान हो गया इस स्टेप के बाद। ये आ गया, बोलो वैल्यू क्या होगी इसकी। क्यू यूनियन, अरे बोलोगे, यही लिखा है, तो बोलता ही नहीं है यार, यही लिखा है ना यार, यूनियन क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट, बोलोगे ये क्या होता है, क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एस होता है ना पूरा, फाइनली क्या आ गया, एस आ गया ना, तो सीधा आ गया ना, क्या आ गया, टोटोलॉजी आ गया, चमका अरे क्लियर क्लियर है क्या, यस सर, हाँ सर, तो दोनों तरीके से कर सकते हो जैसे तुम कंफर्टेबल हो, स्टार्टिंग में जब अगर लग रहा है डिफिकल्ट लग रहा है तो ट्रुथ टेबल से कर लो, धीरे धीरे सेट थ्योरी की ओर बढ़ो, जगह कम लगता है लिखने में, ठीक है, अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, क्लियर है क्या, क्लियर है सर, कॉपी कर लो, टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है, ठीक है, मेरे पास जो बुक है उसका मैं चैप्टर वन का फोटो खींच के पीडीएफ बनाकर डाल देता हूँ, ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या, सर सेकंड का फर्स्ट वाला भी करके बताओ ना, सेकंड का फर्स्ट वाला कैसे करूं, सर सेट थियरी से, हाँ सर, अरे अभी क्लास चल रही है, रुको रिवाड़ी से लिख ले लो ना, हाँ बोलो, सेकंड भी करूं मैं, तो बोर्ड पे जगह नहीं है ना, कैसे करूं बताओ, सर सेकंड का फर्स्ट वाला, सेकंड का फर्स्ट वाला, ये वाला कह रहे हो, हाँ सर, तो खेलो ना इसमें, यहां से स्टार्ट करो, पहला स्टेप बता दूंगा बस, दूसरा स्टेप नहीं बताऊंगा, P double implies Q का मतलब क्या होता है, बोलो, P implies Q and Q implies P, ये चमकता है, P implies Q का मतलब क्या होता है, negation P union Q intersection, बोलो, negation Q union P, ठीक है, और मैं तो एडवाइस दूंगा, negation छोड़ो, ऊपर लिख दो, हटा दो, ऊपर लिख दो, समझ में आता है, हाँ सर, अब खेल लोगे, हाँ सर अभी हो जाएगा, अब तो खेलना है ना बस, ये बात चमकती है क्या, तो मैं आपको जो पीडीएफ बना के भेजूंगा ना उसका आप वन से लेके वन पूरा बुक आपको खुद से चैप्टर वन खुद से करना है, ठीक है, अरे ये क्लियर है नहीं क्लियर है भाई, यस सर, भाई देखो सिंपल सी बात है, मैंने तीन टॉपिक कराए हैं उसमें से चार क्वेश्चन आते हैं हर साल में, एलपीपी स्टैटिस्टिक्स रीजनिंग, ठीक है, मैं चैप्टर वन का फोटो खींच के भेज दूंगा, ईमानदारी से कर लेना, कुछ मत करना तो एटलीस्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज वन का कर लेना, ऑलमोस्ट पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है, ओ तो अभी नेक्स्ट क्लास से अपन फिर फंक्शन रिलेशन सब शुरू करेंगे, कॉपी कर लो इसका, ले रहे रब करें, यस सर, हो गया ना, चलो कॉपी कर लो अच्छे से, ठीक है सर, हाँ बोल सर, मेंस में स्टैटिस्टिक्स के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हाँ मेंस में स्टैटिस्टिक्स, मैं अभी शीट फॉर आपको शीट फॉरवर्ड की है ना ग्रुप पे, देखो ना एक्सरसाइज थ्री में क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके, आज जो पढ़ाया ना उस पे बेस्ड आते हैं, के से मल्टीप्लाई कर दिया, थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, इस टाइप की चीजें, जैसे फर्स्ट एन नंबर्स का मीन वेरियंस निकालना, इस टाइप की चीजें, अभी अपने शीट अपने एक्सरसाइज अपने ग्रुप पे है ना स्टैटिस्टिक्स की शीट, उसका एक्सरसाइज थ्री देखो कैसा क्वेश्चन आता है, हाँ सर देख लूंगा, ठीक है, तो ये चार क्वेश्चन एग्जाम में बनने चाहिए हमेशा आपसे, इतना क्लियर है, यस सर, चलो भाई, यस सर।